दोस्तों मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं मेरी एक और नई वीडियो। और ये हाउ टू मेक इलेक्ट्रिक कार का पार्ट 3 है, जिसमें हम इसकी आज डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, इसकी लेंथ और विड्थ के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसका एक वॉक अराउंड करा देता हूं आपको। ये देखिए, तो चलिए अब मैं इसकी चेसिस बताता हूँ आपको मैंने कैसे बनाई हुई है। इसके लिए हमें एक नोटबुक और एक पेन की जरूरत होगी। तो चलिए हम इसकी चेसिस को मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसकी चेसिस कैसे बनाई हुई है। इस टाइप से मैंने इसकी कुछ चेसिस बनाई हुई है और मैं अब आपको बताता हूँ। और ये जो आप इसकी ये यहाँ से लेके ये आगे ये पाइप लगाई हुई है मैंने, और ऐसे भी पाइप ली है। तो इसकी जो मैंने लेंथ रखी हुई है वो है 7 फीट, और इसकी जो मैंने विड्थ रखी हुई है वो है 3.5 फीट। और अब इसके मैं आपको टायर बताता हूँ। मैंने यहाँ पे ये हमारा फ्रंट पार्ट के जो टायर हैं वो लगा दी, रेज्यूम करके चलिए एक बार आप। और ये देखिए, ये आप एज्यूम करके चलिए कि ये इस गाड़ी के जो हमारे जो पीछे वाले टायर हैं और ये आगे वाले टायर हैं। तो यहाँ पे भी मैंने इनके बीच में साइड में सपोर्ट दी हुई है, इसके लिए मैंने यहाँ पे भी पाइप लगाई हुई है ऐसे। वैसे ऐसे ही इस साइड में भी मैंने ये एक पाइप लगाई हुई है, और इस पाइप की जो मैंने ये पाइप है, ये इसकी पाइप की जो लेंथ है वो है 2.24 सेंटीमीटर। और जो हमारे इस पाइप और इस जो आगे वाला एंड है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2 फीट, ठीक है। और ये हमारे जो पीछे वाले पीछे वाला एंड है और ये जो इस पाइप का ये पीछे वाला एंड है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 फीट एंड 7 सेंटीमीटर। और ये यहाँ पे हमारा एक्सल लगा हुआ है, और इन टायरों पे मैंने आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ मैंने लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिया हुआ है। यहाँ पे ये हमारी यहाँ पे इस तरह हमारा एक्सल लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारी मोटर कनेक्ट हुई हुई है, BLDC मोटर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पे हमारा स्टेयरिंग कॉलम लगा हुआ है आगे, यहाँ यहाँ हमारा ये हमारा स्टेयरिंग आ गया, और ये नीचे हमारा स्टेयरिंग कॉलम लगा हुआ है। और पीछे की तरफ मैंने इसके अंदर डिस्क ब्रेक्स भी इंस्टॉल किए हुए थे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा आई बटन में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और इस तरीके से मैंने कुछ इसकी चेसिस को बनाया हुआ है, और मैंने इसके अंदर हमारे जो स्कूटर के टायर होते हैं वो यूज किए हैं। तो चलिए मैं आपको इस गाड़ी के अंदर भी दिखा देता हूँ कि इसकी देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये हमारी गाड़ी का जो फ्रंट पार्ट है, ये देखिए, ये जो पाइप हमारी जो चेसिस की जो पाइप है वो हमारी सीधी जा रही है। ये देखिए एंड तक हमारी जो पाइप है वो एकदम सीधी है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने इसके सपोर्ट के लिए यहाँ पे मैंने दो पाइप इसकी जो हमारी मेन चेसिस थी उसके साथ मैंने वेल्ड किए हुए हैं। ये देखिए, और ये आप नीचे बैटरी बॉक्स देख पा रहे होंगे, और पीछे मैंने लिफ्ट स्प्रिंग सस्पेंशन दिया हुआ है, और आगे की तरफ मैंने लिफ्ट स्प्रिंग सस्पेंशन दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप ये। और ये जो आप पाइप ये देख रहे हैं, ये हमारी जो डिस्क ब्रेक की जो पाइप है वो यहाँ पे आई हुई है। ये देखिए, यहाँ पे हमारे जो डिस्क ब्रेक है उनके उनके साथ ये लगी हुई है, और ये हमारा पीछे का डिफरेंशियल लगा हुआ है, और इसके अंदर हमारी BLDC मोटर लगी हुई है। और ये यहाँ पे मैंने एक बार इसका कंट्रोलर रखा हुआ है, और अब मैंने इसकी जो सीट है वो बनाने के लिए दी हुई है, और ये जो सीट है इसको मैंने एडजस्टेबल सीट में कन्वर्ट कर दिया है। और मैं आपको इस सीट को मैं आगे पीछे करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस सीट का लीवर है, इसको हमें ऐसे उठाना होगा और इसे हम पीछे करना चाहिए, ये इस तरह से पीछे हो जाएगी। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।